तो फ्रेंड्स ये मैंने अपना नया गेमिंग पीसी लिया है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो मेरा लैपटॉप था उस पर फ्रेंड्स एनिमेशन की वीडियो डिज़ाइन नहीं हो पाती थी, तो फ्रेंड कुछ टाइम लगेगा एनिमेशन के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो मेरी वॉक थ्रो वीडियो होगी मैं अपने एक चैनल अलग क्रिएट करूँगा, उस पर फ्रेंड्स वॉक थ्रो वीडियो अपलोड किया करूँगा, जिसपे फ्रेंड्स हम होम डिज़ाइन की जो भी इंटीरियर उसका ओवरऑल पूरा व्यू दिखाकर उसका एक वॉक थ्रू वीडियो बना के उस चैनल पे अपलोड किया करेंगे। तो उसी वॉक थ्रू के लिए फ्रेंड्स मैंने ये पीसी लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नया पीसी मैंने ख़रीदा है फ्रेंड्स, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंड्स क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में आपको इसी चक्कर से मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूँ। तो ये मैंने फ्रेंड्स लिनोवो का लिया है फ्रेंड्स, आप मेरे को बताना कैसा लगा आपको। ज़्यादा कॉस्टली तो फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इतना भी महंगा मैंने नहीं ख़रीदा है फ्रेंड्स। तो इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे को कितना पड़ा है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स इसमें आइडिया गेमिंग, तो फ्रेंड्स ये लिनोवो का है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका जो प्रोसेसर है वो है राइजन 5 3600, और इसमें 4 GB का फ्रेंड्स ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, और जो कि 1650 सुपर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ, इसको ऑन कर देते हैं हम, और बहुत ही ज़्यादा इसमें प्यारी कैबिनेट लगी हुई है फ्रेंड्स। इसमें एक यहाँ पे फैन मिलता है, कैबिनेट है हमारी इसकी, तो ये फ्रेंड्स इसको मैंने ऑन कर दिया है, अब ये चलने के लिए रेडी है। इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसकी काफ़ी स्पीड काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, इसमें 256 GB SSD लग रही है फ्रेंड्स, और 1 TB हार्ड डिस्क है, और 4 GB NVIDIA का 1650 सुपर ग्राफिक्स कार्ड लग रहा है इसमें, और फ्रेंड्स प्रोसेसर राइजन 5S का 3600, और इसमें एक कैबिनेट फ्रेंड्स, इसमें हमारा कूलर, जो कूलर CPU जो होता है फ्रेंड्स वो इसमें लग रहा है, कूलर फैन इसको बोलते हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारे जो प्रोसेसर को हीट ना पकड़े उसके लिए एक अलग से प्रोवाइड किया गया है। कैबिनेट में भी फ्रेंड्स एक फ़ैन यहाँ पे दिया गया है, और मैं आपको इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स 2 USB और एक माइक का आपको सपोर्ट मिल जाते हैं, जैक मिलते हैं फ्रेंड्स, और एक आपको यहाँ पे मेमोरी का फ्रेंड्स आपको एक जैक मिलता है, जो कैमरे वाली आप लगा सकते हो। तो इसकी जो फ्रेंड्स कैबिनेट है वो भी काफ़ी सुंदर है। तो यही फ्रेंड्स सिस्टम था, मैं आपको यहाँ पे एक बार चला के भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। इसमें मैक्स है फ्रेंड, वो खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, आप देख लीजिए। हमें कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको शेयर कर दिया जाए आपके साथ। तो मैंने फ्रेंड्स आपको ये शेयर करके, आपको ये कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हमें वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। तो अब कुछ टाइम फ्रेंड्स लगेगा, मैं अपने एक चैनल अलग क्रिएट करूँगा, जिसपे फ्रेंड्स केवल, देखो फ्रेंड्स ये चलने के लिए रेडी हो गया है, तो कुछ टाइम नहीं लगता है, काफ़ी अच्छा इसकी स्पीड है फ्रेंड्स। अगर आपको ये परचेज करना है तो फ्रेंड्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ आप इसकी प्राइस पता कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसमें
बता दिया फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उस प्रोसेसर स्पीड काफ़ी अच्छी है। देखो मैं आपको यहाँ पे शट डाउन करके भी दिखा देता हूँ कितना टाइम ले रहा है शट डाउन में। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे शट डाउन हो चुका है, तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये पीसी, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।